गुजरात सरकार ने मोरबी पुल हादसे के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 नवंबर को राज्यव्यापी शोक की घोषणा की है। ये फैसला त्रासदी के बाद की स्थिति की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है। रविवार शाम को मच्छू नदी पर बना केबल पुल टूटने से 134 लोगों की मौत हो गई थी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ट्वीट किया कि गुजरात सरकार ने 2 नवंबर को राज्यव्यापी शोक मनाने का फैसला लिया है। वहीं राज्य में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और कोई आधिकारिक समारोह नहीं होगा। उन्होंने बताया प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला लिया गया है। इससे पहले बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गुजरात की मोरबी का दौरा करेंगे। जानकारी के मुताबिक अभी भी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, भारतीय वायुसेना और नौसेना के साथ स्थानीय कर्मी बचाव अभियान में लगे हुए हैं। वहीं इस समय गुजरात का दौरा कर रहे प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार पुल टूटने की घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने एक भावुक संदेश में कहा कि मैं केवड़िया में हूँ, लेकिन मेरा मन मोरबी पुल हादसे में मरने वाले लोगों से हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर के कलाकारों को केवड़िया में पारंपरिक नृत्य की प्रस्तुति देनी थी, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए इसे रद्द कर दिया गया है।